This is a nice joke. दिमाग खाते रहते हैं। लोगों के सर में बाल होते हैं, इनके गालों पे बाल हैं। हलवा पूड़ी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। जोर से बोलो, जय माता दी। माँ नींद में ऐसे करिया, सोच रही कि सपने में हलवा कहाँ से आ रहा है मुझे। जय माता दी एवरीवन, कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, हमारे जो वैष्णो देवी माता जी के दर्शन है बहुत ही अच्छे हुए, तो हम लोग आए दोपहर के 1 बजे, आकर सीधा खाना खाते सो गए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। नहा धो के शावर लेके मैं और पायल हो चुके हैं रेडी। सो गाइस, पैकिंग हो गई एकदम डन। ये वाला मैं पोर्शन एक पूरा चीकू के पापा को देके आ रही हूँ, ठीक है? वो खा लेंगे तब तक, और हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तू मैं चीकू फ्रेंच फ्राइज खा लो बेटी, और चीका कंगी बोलू मैं उनको देके आ रही हूँ। सूरज भाई की चाय, चाय वो एक मंगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अपने हिसाब से मंगाई थी ना, ठीक है। अब हम तो एडजस्ट कर रहे हैं। तो चीकू को मैंने 10 आवाजें दे दिए, चीकू जाओ बेटा फ्रेंच फ्राइज आ गए हैं। बट चीकू में हिम्मत नहीं हो रही उठने की। हम तो चलो बड़े हैं, हम तो फिर भी अपने अंदर हिम्मत रख सकती है, तो छोटा बच्चा है, इसने फिर भी बहुत अच्छा करा। पहली बार चीकू इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ा होगा। तब भी तो मेकअप का छेड़ रही है, अब भी तो मेकअप का छोड़ रही है। कितना मेकअप करती है? मेकअप नहीं छेड़ रही, तो मैंने कंघी की थी यहाँ पे रखी हुई थी, तो मैं कंघी एडजस्ट कर रही थी, तो एडजस्ट करते करते मेकअप का सामान फैला होता है। पब्लिक तो कंघी तो इसमें भी रख लेती है, इतने सारे बैग है। सोचा नहीं किस चीज का ढक्कन है, पता नहीं होगा किसी चीज का। चिकन बड़ी फ्रेंच फ्राइज आपके ठंडे हो रहे, खड़े हो बेटे, छोना बाबू खड़े हो जाओ। मगरमच्छ की तरह से हो रहा है चीकू। तो गाइस नहा धो के हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने पहना है ये बहुत वार्म सूट है, और ये मैंने मंगाया है नूरे इलाही बाय प्रीत कौर लुधियाना से मंगाया। बहुत ज्यादा बहुत वार्म है। मैं तो ये सोच रही हूँ, ये ब्लैक कलर का था तो चढ़ाई पे नहीं पहन सकती थी, इसलिए मैंने चढ़ाई पे नहीं पहना। अदरवाइज इसको पहनने के बाद में किसी भी अंदर वार्मर वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। इतना अच्छा कपड़ा, इतना वार्म है, इतना प्रिटी लग रहा है। बहुत प्यारा फिट दिया है प्रीति जी के जो मास्टर है, उन्होंने बहुत प्यारा फिट दिया मुझे। तो मैंने तो परमानेंट सोच लिया है कि जितने भी आउटफिट होंगे ना मेरे सूट वगैरह, जहां भी दर्शन करने के लिए या कहीं पार्टीज के लिए, तो मैं यहीं से सिर्फ कपड़े लूंगी और कहीं से भी नहीं लूंगी। मैं इतनी देर से इसका वेट कर रही थी कि चल चाय पियेंगे, अपने आप बैठ के देख लो। देख लिया मैंने, 2 चाय बनाई तुमने एक साथ, देखो चिढ़ा रही थी बस मैं चिढ़ गई। ये वाला जो प्रसाद है ना, ये प्रसाद हमारी दीक्षा का है। दीक्षा ने ना हमारे बैग में रखा दिया था, क्योंकि उनके पास कोई कैरी बैग वगैरह नहीं था, और हम पिट्ठू बैग लेके गए थे 3। तो दीक्षा को ये प्रसाद भी दे देती हूँ, और उसने मोली धागा वगैरह भी लिया था, तो वो भी दे देती हूँ। वो जस्ट हमारे रूम के साथ वाले रूम में है, चाची जी और दीक्षा। बोलो तो उसको खिला, मैं ये सामान पैक करके आ रही हूँ, उनकी पूरी लगेज ना, और इसके खिलाने बाद इसको कपड़े चेंज करा दियो। मैं वहां से आ रही हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक रूम से दूसरे रूम में घूम रही हूँ, क्योंकि पहले मैं चाय देने आई थी, इनको उठाने आई थी, और अब जो है मैं इनका ना लगेज सेट करने जा रही हूँ, क्योंकि इनका सारा सामान जो है फैला हुआ, और फिर जो जेंट्स होते हैं ना वो ठीक से रख नहीं पाते, वो गंदे मंदे कपड़े सब एक साथ लपेट देंगे। तो मैंने गंदे मंदे कपड़े जो है ना अलग से लगेज बनाया है, तो उनके जो गंदे कपड़े होंगे वो मैं ले आऊंगी इस तरफ, और जो अच्छे कपड़े हैं ये हमने सोचा था हम ऊपर जाके चेंज करें, पर हम यहाँ से दोबारा नहा के गए थे, इसलिए हमने ऊपर जाके कोई चेंज वेंज नहीं किया। यहाँ पे सूरज भैया ने ऑलरेडी अपनी सारी पैकिंग कर रखी है उधर देखो, और यहाँ पे मैंने अरमान जी का पूरा जो है सामान पैक कर दिया अच्छे से। जो कपड़े उनको पहन के जाने वो निकाल के रख दिए, सॉक्स कैप, क्योंकि वो कह रहे मैं बाल बाल नहीं बनाऊंगा, मैं कैप लगाऊंगा। और अभी हो गए हैं शावर करने, क्योंकि मैं और गोलू तो 4 बजे उठ के नहा धो के पूरा रेडी हो गए थे, तो वो जस्ट अभी गए नहाने। तो मैं फटाफट जाती हूँ उस वाले रूम में, और चीकू रेडी नहीं हुआ अभी तक, तो चीकू को रेडी कर देती हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया, क्योंकि वो लोग अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं ना चीकू पापा, और फेस वॉश वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि वो जो सारा सामान है ना वो कहीं भी किसी भी बैग में मत डालना, वरना किसी वो भी चप्पू चुप के खराब हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे ही कैरी बैग में जिसमें मैंने दिया है ना आपको, उसी में डाल के मुझे ले आना, हाथ में पकड़ के लगेज में डालना, वरना वो खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। सूरज भैया को भी एक बार मैं ही समझा के आई हूँ, तो चलते हैं फटाफट और लगेज जो है नीचे भिजवाती हूँ। क्या हो गया, आवाज आ रही बाहर तक? हाँ बाहर तक आवाज आ रही तुम्हारी। अरे वो निशु भैया, उनको बुला रही हूँ अभी। तो सामान वो फोन आया नीचे से? नहीं फोन नहीं आया अभी तक। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे हैं, और 5 घंटे की एक जबरदस्त नींद लेने के बाद अभी उठे हैं, और सबने पैकिंग रेडी कर दिए हैं। और लखन भाई के साथ एक सीन हो गया, क्या ना हेलीपैड की टिकटें वहाँ पे सोल्ड आउट हो गई थी, तो लखन भाई नीचे पैदल आए। चाची जी ने बताया कि ना बिल्कुल एंड टाइम पे, मतलब जब आ रहे थे ना, तो आते हुए ना खच्चर जो होता है उस पे बैठे, क्योंकि देखो पैरों ने जवाब दे दिया था। तो हमारे चीकू की हालत भी खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। मेरे खराब हुई थी लेकिन ठीक हो गए। आप लोग की रिपोर्ट है? हाँ जी। मजेदार। चलो अब घर निकलते हैं। तो मैंने गोलू और पाल को बोला था इतने कपड़े मत रख, एक बैग ले ले, एक ही कपड़ा यूज होगा, वही हुआ, एक ही कपड़ा यूज हुआ। और ये लेके आए थे 5-5 जोड़े, यानी कि 4 बैग लेके आए थे, एक बैग में सारा सामान आ जाता। पाल है चीकू? एक जी सही है, आ जाता, पर ना पता नहीं क्यों हमको आदत है ना एक्स्ट्रा कपड़े रखने की। वही हम सोच रहे हैं, इतनी मुश्किल से पैकिंग करी, पता इतने सारे कपड़े रखे हुए थे। पाल कह रहे गोलू सारे कपड़े ना तूने रखवाए थे, मैंने ज्यादातर कपड़े रखवाए थे, पाल ये भी रख ले, पाल वो भी रख ले, कुछ काम नहीं आया, यूज नहीं हुआ कुछ। हमेशा ऐसे करती है। मैं ना ट्रिप के अकॉर्डिंग में दिमाग में सेट कर लेती हूँ कि इतने कपड़े चाहिए होंगे, इसलिए एक्स्ट्रा इतनी जैकेट भर ले, पैंटे भर ले, जैगिंग भर ले। लाइटें चली गई।
झूठ बोला तूने? नहीं सच बोला मैंने, इसलिए आज आ गए इसलिए। हाँ इसीलिए तो वापस आई, अगर झूठ होता तो वापस नहीं आती। पहले अगर मैं नीचे जाऊँ चीजें छोटी मोटी जो भी क्लियर कर दो ना। हाँ मैं भी आ रही हूँ, चलो आपके आपके साथ चलो। तो एक बंदा यहाँ रुक जाओ, सोच भी आप रुक जाओ पहले काम करो। यहाँ से ना ट्रेन होती है, तू ट्रेन से और मैं बस से जाता हूँ, देखते कौन टिकट कौन बुक करेगा मेरी। वो तो एंड्रॉइड हो जाती है। ऊपर क्या फिर आपने बोला टास्क दे, मैं तो टास्क के लिए कभी मना नहीं करती। अकेले भेजूंगा तेरे को मैं टास्क, ना अकेले थोड़ी जाती। अच्छा मैं ट्रेन से जाती, बस से जाती, ऐसे थोड़ी। चलो बराबर। किसे निकाले? झूठ नहीं, हाँ सर इसका मतलब यही है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और हमने चेकआउट कर दिया, बस अभी सब लोगों का वेट कर रहे हैं कि सारे लोग आ रहे हैं कमरे में से। तो यहाँ पे हम लोगों की तो नींद है ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत हो गई है, लेकिन वहाँ भाभी की जो है ना नींदें उड़ गई है, वो सोफे में ऐसे चल रही है। हमें देख के भाभी उठ गई, दिखाओ भैया उधर। तो बस अभी निकलते हैं घर के लिए, मिलते हैं बच्चों से। आपके लिए एक सरप्राइज है बच्चों का घर पे। अच्छा क्या सरप्राइज? बच्चों के लिए रेलिंग लगवा दी बेड पे। बेड को देख, वेरी गुड। मैंने यार बड़ी मुश्किल से गाइस ये जो ऑनलाइन है ना, इतनी मुश्किल से मिली है ना मुझे, जगह जगह ढूंढ ढूंढ के मेरे को ना, बट सब्सक्राइबर्स इतने प्यार करते हैं, मुझे कमेंट आया था कहाँ से ऑर्डर करूँ, तो वहीं से ऑर्डर करा। तो मैंने बोला था नीतू को कि भाई बीमार हो जाओगे, वही हुआ। नीतू की हालत थोड़ी सी खराब लग रही है मुझे, और मुझे लग रहा नीतू घर जाके तू 4-5 दिन रेस्ट करने वाली है। नहीं भैया नहीं, वो तो काम तो करेगी फिर भी रेस्ट करने वाली है। दवाई तू लेगी ना? हाँ दवाई अभी लूंगी, दीदी से लूंगी। तो कब पहुंचे तुम? हम लोग पहुंचे तो भैया लेट पहुंचे, आधे घंटे पहले। तो अब सीधा घर। तो यहाँ पर नीतू की तबीयत ना थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है और उसको भूख लगी है, तो अभी इसको हम लेके जा रहे हैं ऑन द रोड कुछ खिलाने। मैंने लखन भैया को बोला है कि सबसे पहले सारे काम छोड़ो, किसी कुछ खिलाओ, क्योंकि ना तबीयत हो रही खराब और वॉमिट जैसा हो रहा है, और वॉमिट की दवाई नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, 2 मिनट में खिला देते हैं ना। तो गाइस अभी अभी हम लोग पहुंचे होटल के बाहर और बस में बैठने वाले थे, और हमें यहाँ पे ना इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। मैं सरप्राइज क्या मिला है सबसे पहले दिखा देती हूँ, बताती हूँ बाद में। तो यहाँ पे आपको एक हसीन सी लड़की दिख रही होगी, ये मेरी शादी की फोटो है, इन्होंने वो निकाल के यहाँ पे ना पूरी शादी की फोटो जो है अपने हाथ से बनाई है। और आपका नाम क्या है? जाकिर हुसैन है ये, और ये हमें यही मिले हैं। ये जम्मू से आए, जम्मू से आए हो ना? कटरा से आए हो? अच्छा, तो इन्होंने बड़े प्यार से मेरे लिए जो है पेंटिंग बनाई है, बहुत खूबसूरत है, दिल खुश हो गया देख के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक पूरी फैमिली के साथ भी बना रखी है, वो भी दिखा दे। ठीक है। अरे वाह, ये तो मेरी हल्दी की है शायद, है ना? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कार्टून पेंटिंग है। ये क्या लिखे है? अरमान लव कृतिक, नहीं हमारे दोनों का नाम जोड़ दिया है इन्होंने। क्रियल, क्रियल। अच्छा, कृतिका प्लस पायल, क्रियल क्रियल। तो एक हमें वो लव नेम दिया है इन्होंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाना वाना हो गया कंप्लीट, और खाना खाने के बाद हमने सोचा है काम करते हैं, जाने से पहले ना मार्केट घूम लेते हैं और सब लोगों के लिए ले लेते हैं कुछ गिफ्ट और साथ में ड्राई फ्रूट। यहाँ पे अखरोट की मार्केट है। अरे बोरी विशाल ड्राई फ्रूट कहाँ चलते हैं? बहुत बड़ी ड्राई फ्रूट की दुकान है उधर। चलो चीकू के पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं, इतनी टेंशन मत लो, 100-200 रुपए के ड्राई फ्रूट ले लो। तो मैंने कहा ज्यादा नहीं हो गया 100-200 रुपए है? पायल 100-200 की कह रही है। 100-200 किलो बोला उन्होंने, 100-200 किलो। तो यहाँ पे ना हम लोग ले रहे हैं मामरा बादाम, और यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है मामरा बादाम की पहचान। मामरा बादाम को अगर आप पीसते हो ना, तो उसमें अगर तेल निकले ना, तो उसकी रियल पहचान है, उसके साइजेस मिल जाएंगे आपको, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए। हम छोटा लेंगे, तो हम लेंगे छोटा वाला बादाम। गाइस कल ना हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, मैं बताना भूल गई। हमारे साथ हुआ क्या, हम लोग ना जब चढ़ाई चढ़ रहे थे माता वैष्णो देवी की, तो रस्ते के ना हमारा जो माइक है ना, भैया केशव भैया बैठे घोड़े के ऊपर, तो माइक इसमें लगा हुआ था जो जहाँ पे हम चार्ज करते हैं। तो जैसे भैया बैठे उनका हाथ मुड़ा और हमारा माइक ऑन द स्पॉट ना टूट गया। कल की जो व्लॉगिंग थी ना आप लोगों को देखा होगा, थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा था। अभी भी मेरे पास माइक नहीं है, तो अभी घर जाके सबसे पहले माइक लेंगे। माइक तो है हमारे पास घर पे, पर हम लेके नहीं आए दूसरा। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ पर लिखा हुआ है घटिया लहसुन है ना, पर वो घाटी है, पता है। पर मैं वैसे बता रही हूँ कि घटिया, जिसके घटिया का ओए मेरे को होता है घटिया का, घुटनों में क्या करते हैं इसको? तो एक काम कर, तू गठिया का लहसुन खा तो ठीक हो जाएगा। इसका क्या करते हैं भैया? ये ले, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। पहाड़ी पुदीना, हरा पुदीना शायद, पता नहीं किसमें डालते हैं भैया। ये इसमें डालते हैं सब्जी में, लस्सी के अंदर। तो इसको देख के ना मुझे मेरे बचपन की यादें याद आ गई। चीकू फॉर यू, मैजिक पॉप्स मुंह में डालोगे टक 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 टक। तो हम लोगों ने ले लिया यहाँ से सामान, सारा ड्राई फ्रूट ले लिया, प्रसाद ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो अभी बस रवाना हो रहे हैं वापस होटल की तरफ। ठंड तो यहाँ पे बढ़ चुकी है भाई, मैं तो आई थी ऐसे बिना शॉल बिना टोपी के, मैंने कहा स्टाइल मारती हूँ नया सूट पहने, पर आपको स्टाइल नहीं मारी, शॉल लपेटी सर पे, देखो ठंड लग जाएगी। अरे सर में, यहाँ पे कानों में
सच में सूट बहुत गर्म है। हाँ ये सूट गर्म है बहुत ज्यादा। तो बाहर हमारी बस वेट कर रही है और हम लोग, हमारी पूरी टीम हो गई है रेडी, खाना भी खा लिया है, बस अब जाकर बस में बैठेंगे और आराम से सोएंगे। और मुझे लग रहा है कि अभी देखो रात के बज रहे 8 और एस्टिमेट हम लोग घर पहुंच जाएंगे सुबह 6 से 7 के बीच में। सही बोला। तो आज भाई खुशखबरी है क्योंकि जो हमारी लक्ष्य है वो बुआ बन गई है, तो हमारे घर में एक लक्ष्मी और आ गई है, बस हम भी जाएंगे बहुत जल्दी मिलने उससे। तो भैया अभी निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, यात्री और ध्यान दें, यात्रीगण जितने लोग भी है बोलो भाई, आ जाओ भैया सब लोग, अपने अपने सामान गिन लो, कब जा रहे हैं? मेरे तो 4 है। सामान मिल गया भाई? जी सर 4 है सामान लेने। क्या क्या है? एक हाँ। एक वो छोटा पैकेट हाँ। एक बड़ा धमाका हाँ। एक छोटा धमाका। आपका वेट कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर आ गए बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, यहीं से आप यहीं से हो? अच्छा सब ठीक ठाक है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। वो अंदर है बेटा, लंच कर रहे हैं, अंदर लंच कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं सारे, डिनर कर रहे हैं डिनर। बेटा वो घर पे है, घर पे है, वो घर पे है, सर्दी ज्यादा थी ना इसलिए लेके नहीं आए। और सब ठीक है? ठीक हूँ भाई से। ये आपका बहुत बड़ा फैन है, इसको ये भी पता आपको लॉलीपॉप पसंद है, आपकी चॉकलेट्स ये किसके लिए लाए? एक्चुअली ब्लॉग्स देखते रहता है कि उसको चॉकलेट्स पसंद है, आप रील्स डालते हो चॉकलेट्स इतने सारे। अभी गैस का थोड़ा सा मीठे पे कंट्रोल कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी अभी हम ढाबे पे रुके हैं भाई, बहुत तगड़ी भूख लगी है, पायल तो 2 घंटे से भूखी बैठी थी और मुझे कह रही है कि शुक्रिया आपने यार रोका। हाँ मैं पता कितनी देर से भूखी थी, फिर भूखी 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 मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गई, फिर अभी मेरे को पता किसने उठाया? किसने उठाया? कौन था? कोई था, ये था, इसने किसने भेजा है तेरे को? किसने भेजा था? अभी मुझे बड़ी थी भूख लगी, भेजा किसने था? भैया ने भेजा था, मैंने उठा यार, बेचारी गरीब है कोई। राम लड्डू वाला भी स्टैंड निकल गया था। राम लड्डू का भी स्टैंड निकल गया था, बता तेरे को ये क्या है? This is a nice joke. Guys, अभी एक जोक मारा है मैंने, अब मैं आपको सुना देती हूँ। कैमरा ऑफ था तब मैंने ये जोक मारा था, मैंने कैमरा ऑन करके दोबारा मारती हूँ। अभी गो चीटू के पापा ने, चीटू पापा इन भैया से बात कर रहे थे, चीटू पापा ने नाम पूछा, उन्होंने बोला धर्मिंदर, चीटू के पापा ने बोला बॉबी देओल, मैंने कहा मैं हेमा मालिनी, फिर देखा कि नहीं नहीं हेमा मालिनी थी, धर्मिंदर के साथ हेमा मालिनी बीवी होती थी। तो रास्ते में मैं जब सो रहा था ना तो इतना शोर आ रहा था पीछे से, अगर ये मेरे घर वाले नहीं होते तो मैं बस से शायद उतार भी देता। इतना शोर क्यों कर रही थी वैसे तू? इतना गंदा एक्सीडेंट हो रखा था जब मैंने देखा था। तो तेरे शोर करने से क्या ठीक हो जाता? नहीं ठीक तो नहीं होता, पर सबको पता तो चलता। क्या? पर तुम्हें तो पता चला था, तुमने मेरे को बोला था चुप करो आवाज मत करो ऐसे कर रहे। वो मैं हेसरी से लड़ रही थी, ये हेसरी मेरा फोन ठीक नहीं कर रही। हां भाई लखन भाई के लिए मैंने शाही पकवान मंगवा दिए क्योंकि इन्होंने वहां भी ढंग से खाना नहीं खाया था, पनीर पराठा आ गया। बेटा ये कौन सा शहर है? दमदान। पहली बार सुना तो भाई। यहाँ पे सबके इतने बुरे हाल है, इतने बुरे हाल है, देखो ये हमारे गोलो देखो मुसड़ी पड़ी ऐसे। सुनो लोग सो सो के ना अपना फोन ढूंढ रहे हैं, फोन छुपा देती हूँ। अभी नहीं, अभी बच्चों को होश नहीं है, छुपा लो। पर तुम्हारे बच्चों का है, हमारे बच्चे थे सारे होश में। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पहुंचते ही हम पहुंच गए 24/7 और भाई साहब बहुत ही मशहूर 24/7 है हमारे घर के बाहर। हाँ भाई क्या ले रही है भाई सुबह सुबह? मैं थोड़ी आप आए हो पहले अंदर, मैं तो आपको क्या कर रहा है सुबह सुबह? वो बच्चों को नहीं ले रहा है, बच्चे थोड़ी खाते हैं यार, तू बकवास कर रही है यार। तो मैंने भाई साहब बनवाई है बहुत ही कमाल की कॉफी। पल हम मुंबई क्या खाने जाते हैं? मुंबई में हमने क्या? वड़ा पाव। वड़ा पाव खाना? देखिए लेने के लिए ना, बड़ा पाव थोड़ी है, बड़ा पाव है। अरे हाँ देसी है लेकिन ये नहीं, नहीं बहुत मजेदार है, सेम है मुंबई वाला। मुंबई से आते हैं पाली है, खाना क्या चीकू खाना? नहीं देख पाल मैंने कॉफी बनाई, मार्शमेलो मैंने कॉफी बनवाई और फिर मैंने कॉफी के लिए एक गिलास भी लिया अलग से। हाँ पाल देख सर्विस देख अपनी कॉफी की, घर लेके जाऊंगा ना सीधी कॉफी। अच्छा सही है। फ्री में दी आपको? फ्री में थोड़ी दी है, 400 रुपए गिलास दी है, 160 रुपए कॉफी है, 500 रुपए हाँ जो मेकअप बिल इतना ज्यादा नहीं होगी पी लो आप। क्यों 500 रुपए की? एक काम करो एक सिप पियो, घर रख दो फिर गर्म करना, फिर दूसरे दिन एक सिप पीना, फिर रखना, फिर एक सिप पीना, फिर रखना, तब जाके वसूलेंगे 500 रुपए। दिमाग खाती रहती है। चीकू क्या लिया तूने? ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इसी साथ बिल तो करवाएगा। क्या करना स्कूल का? स्कूल चले रेडी कर दूं बड़ा के स्कूल जाएगा चला देगी। थोड़ी देर अभी तो बहुत टाइम है, 4 बजे होंगे, 4:30-5 बजे। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए, 4:30-5 बज गए और बिल्कुल सही टाइम पे, हमारा अंदाजा था 6 बजे
पर एकदम बस खींचम खींचाइए। चलो अब जाके बच्चों से मिलते हैं अगर उठे होंगे बच्चे। तो भाई अभी घर पहुंचे, घर पहुंचते ही क्या देखा मैंने, मैं सोचो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। भाई दिखा दो। जय माता की। ठीक है मम्मी, मैं इधर थोड़ा सा हमें भी माँ वाला प्यार दे दिया करो। आपको ही कर रही थी कल से गोलू आ गई। इतना दिमाग चलाते हो ना दोनों माँ बेटी। नहीं मैंने क्या दिया? और क्या, चल वो तो देखा जाली डोली क्या सुविधाएं दी है तूने। तो यहाँ पर भैया बच्चों के लिए पूरी सेफ्टी लग चुकी है। सोरे बच्चे चलो एक जगह हमारी। तो यहाँ पर तू भी बेटी, तू नहीं गई वैष्णो देवी? कितनी छोटी को लग रही है। छोटी तो थी, हम छोटी छोड़ के गए थे इसे। छोटी सी वो पहचान तो लिया गुड्डू, पहचान तो लिया, मुझे लगा भूल जाएगी। भूल तो नहीं गई, पहचान तो लिया। पहचानने क्या कह रहे मम्मी? मैं तो जैसे बाहर से जब भी हम आते हैं ना तो ऐसा होता है बस जाके फटाफट बच्चों से मिले। जय माता। ठीक है आपके लिए मैं अखरोट लेके आया, कल तोड़ना मुँह से। ठीक है बादाम भी लेके आई हूँ। बादाम मुँह बोला नाराज तू नाराज कर रही है क्या हो गया? ये मैं पहचान नहीं पा रही मम्मी। तो मम्मी हमने सोचा है हम अगला टूर कर रहे हैं चंडीगढ़ से गोवा, तो 10 दिन आपको घर रहना बच्चों के साथ। ठीक है अच्छा ठीक है, मतलब गोवा भी नहीं ले जाओगे? मैंने सोचा बच्चे साथ आएंगे इस बार। नहीं बेटा अभी नहीं ले जा सकते, अभी छोटे हैं ना। मम्मी कहीं गोवा तो ले जाओ, गोवा चलना आपको कोई बात नहीं। चढ़ाई भी कर सकती हूँ मैं आपको ना, ब्लॉग में ना हर जगह आपका नाम लूंगा। मम्मी खाना खाना, मम्मी खाना खाना। अब ये सोचना आप मेरे साथ ही हो। अच्छा मम्मी समझ नहीं आई, बात समझ लिया मम्मी को? नहीं आ गई है मुझे। समझाओ मम्मी समझाओ भाई, सिर्फ बोलना है दिखाना नहीं। नहीं गर्मियों के कपड़े इसके पास तो वो भी है छोटी सी निक्कर। बच्चे जा सकते हैं, गर्मी होती है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक नहीं कर रही हूँ, रात को जहाँ से ब्लॉग छोड़ा था वहाँ पे हम सो गए थे सारे। बहुत ज्यादा थकान हो गई थी रास्ते में, इतनी ज्यादा थकान हो गई थी कि हम लोग आते ही पड़ गए। मतलब ये लगा लो 4:30 बजे पहुंचे थे हम, 4:30 तो नहीं सोए हम, थोड़ी बातें बाती करी, 5:30 बजे हम सो गए थे और सोए सोए अब उठे हैं। तो देखो कंजक का सारा प्रसाद बन चुका है, पर हम वेट कर रहे हैं क्योंकि सभी लड़कियां जो है वो गई हुई है स्कूल। चीकू की छुट्टी होगी क्योंकि चीकू देवी पे गया था, माता पे गया था दर्शन के लिए। तो जैसे लड़के आएंगे 2 बजे के करीब आएंगे तब हम बैठाएंगे कंजक। तब तक जो है मैं और गुल्लू नहा लेते हैं, चीकू पापा भी उठ चुके हैं, वो भी नहाने जा रहे हैं। हमारी कंजक भी सो रही है, हमारी कंजक तो नहा दो के सो रही है। वही तो कह रही, हमारी भी सो रही है। तो यहाँ पर ना कंजकों की पूरी तैयारी हो गई है, हमारे काले चने हलवा पूरी सब कुछ बन चुका है। पूरी नहीं बनी है, पूरी का आटा गुन चुका है, पूरी बनेगी फ्रेश। तो अभी बस वेट कर रहे हैं बच्चों का। चीकू हाँ जी, नूर आते हैं अभी, बुलाएं ना 2 बजे आएंगे वो। 2 बजे तो अभी एक सारे गुरु वाले। ओके बेटा अभी बच्चे भैया धूप में ऐश कर रहे हैं फुल, वो तरस रही थी पानी के लिए, ऐसे 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 कर रही है, पाल छोड़ नहीं रही। आयान पापा 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 कर रहे हैं। आपको पता भी क्या, थोड़ी देर पहले ना आयान ऐसे कर रहा साइलेंट में, फिर मैंने भी किया से, फिर मैंने क्या पा पा पा, और फिर उसने भी करा पापा, और ये ना क्या पापा की रट लगा रखी इन्होंने। हाँ बेटा इधर देखो, तू मैंने मम्मी बोला अभी, तू मैंने मम्मी बोला, कान ने बोला, देख देख सुनी बस सुन देख, बोला ना मम्मी, होठ भी नहीं लाया मम्मी के नाम का, समझ गए मम्मी मैंने सुना। देखो आप सुन के देखो, गुड्डू ये देख लाया बाल, लोगों के सर में बाल होते हैं, इनके गालों पे बाल इतने इतने, इसके तो कान पे भी बाल है। सारी देन आपकी है, तो अच्छी बात है ना, बाल होना चाहिए फेस पे, इतने थोड़ी बोले चाहिए। हमारी लड़की के कान पे बाल है, हमारे लड़के के कान पे बाल है, देखो। अच्छा ये नहीं, अच्छा बाल का तो इसने बता दिया, ये नहीं बताया कि पलके देख लो बच्चों की, वो भी तो आप पे ही गई है। और पाल को देखो, पलके नहीं थी तो लगवा लिया, देखो नकली लगवाई है मैंने। इनकी आप असली इतनी प्यारी है, आपकी खान में जाना लगे। तो मैंने सुना है कि मम्मी तेरे को सोने की पाजेब दे रही है, कब तक मम्मी दे रही है? मम्मी कब तक दे? जब अगली बार आऊंगी, अगली बार लेके आएंगे नाक की बाली। और मम्मा वो ना सोने की रहन, तो जो गारंटी वाली आती है जो खराब नहीं होती वो ला के दो। आंख मत मारो, मैंने देख लिया है। और क्या, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेते, वो ही ला के देना। अच्छा सुनो सुनो, ये वाली पायल पता किसने दी थी? मम्मी ने गोलू को भी, मेरे को भी, आपकी मम्मी ने। मम्मी दिखने में गोल्ड की होनी चाहिए, वैसे गोल्ड की नहीं, पानी चढ़ा होना चाहिए। गिल्ट वाली ले आना, गारंटी वाली दिखाना, जैसे आपने जैसे हमने गारंटी वाले मंगवाया ना, ऐसे गारंटी वाले। वैसे ना एक बात है, ये जगह सबसे बेस्ट लगती है मुझे, यहाँ पे बच्चे ना धूप एंजॉय भी करते हैं। और अच्छी बात है, कैमरा मांग रही है लड़की, तो उसको थोड़ी पता है बाहर का घर का, उसको तो मान लाई।
बस मेरी लाडो। तो अभी क्या हुआ, बच्चे खेल रहे थे दोनों, तो अयान ऐसे 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 कर रहा था, तूबा के मुंह पे लग गई और मेरी लाडो रोने लग गई। और मेरी लाडो आंसू आ गए, वे आंसू आ गए, लाडो रो रही है। मैं सोच रही हूँ इसको ना तूबा ना बुलवा के ना लाडो बोला करो, है ना, लाडो अच्छा ना, लाडो ऐसे जब हम बोलेंगे लाडो तूबा, ओ लाडो, पर अब ना मुंह पे तूबा ही आ गया, अब तुम चेंज कर नहीं सकते, है ना मम्मी। सही बात है, जैसे ना इनकी मुंह से गोलू मुंह पे बाल है, सबको ही पता है तूबा। वो देख कहाँ चला गया, कोना काना लग जाएगा उसके, देख वो देख कहाँ गया। चलो अब धूप बहुत सेक बहुत धूप सेक लिया हम भी। चलते तो अभी क्या ना, हम तीनों बच्चों के साथ बैठे हुए थे, तो जैद है ना गाइस, जैद ने थोड़ा सा पुपड़ा कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास था गोदी में, मैंने बोला पाल तेरे पास आने को ना रो रहा है। जैसे पाल ने बोला कि गोलू तेरे को स्मेल नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे 12 महीने में से 8 महीने नाक बंद रहती है। इसको क्या हो गया भाई, पता नहीं, कह रहा उठाओ से आए ना, भूख लग रही मुझे। चलो चलो कुछ खिलाओ, आंजी टुब्बू, टुब्बू बच्चा क्या हो गया, क्या हो गया, ब्रश करो, बचकुन ले गया तेरी, ये देखिए देख, ये देख गोलू, ये देख, ये ना हो ना ऐसे गिरेगी। यहाँ पे मम्मी खिला रही है आयान को, और मैं जा रही हूँ शावर लेने, क्योंकि हमें कंजक बिठानी है। जैसे कि आपको सभी को पता है, जब भी हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो घर आके कंजक बिठानी होती है, तो हम लोगों ने सारा जो प्रसाद है वो बना रखा है, पर आज जो है मंडे है ना, तो सारी कंजक जो हमारे सोसाइटी की सारी जा रखी है स्कूल, तो जिससे वो आने वाली है, इससे पहले वो आ जाए हम लोग नहा धो के रेडी हो जाते हैं। और जो है पोड़िया हम लोग सोच रहे हैं गरम गरम ही बनाए जब लड़की आ जाएगा। अपने आप ही खा रहे हैं, नहीं मैंने दिया इनको ब्रिंजल, ये तो भाई चीकू लाया था अपने लिए, अब इसको ऊपर करो बेटे। क्या हो गया फिर, भाई बहन खा लेंगे तो? एक ही चिप्स ही दिया बस, ऐसे कौन करता भाई बहन से, पिकनिक भी दे दूंगी दियो थोड़ा सा, गिर गया इसका पिकनिक, एक एक पिकनिक दे दे, एक एक देती हूँ बेटा, एक एक देती हूँ, खिला दो खिला दो। कौन सा खिला रहे हो, पिकनिक का, पिकनिक नहीं उसमें मिर्ची है, दूसरे दे दो प्रिंजल। यहाँ भी मैंने पहना है बिल्कुल नया सूट, और ये भी मैंने लिया है नूरे इलाही से, और ये बहुत वार्म है, हम यहाँ रेडी हो रहे हैं, और बस मेकअप मेरा पूरा फैला पड़ा है। मम्मी आप क्या कर रहे हो, मैं ये कह रही हूँ आप फटाफट रेडी हो जाओ, मैं नहा के आ रही हूँ, मैं पूड़िया बना रही हूँ, हेल्प कर देती हूँ पूड़ियों में, ठीक है ठीक है ठीक है, कंजकों का तो अच्छा होता है, पुण्य का काम है ये, तो मैं 2 मिनट में आई नहा के। पाल का मेकअप हो गया है एकदम डन, और मेरा को लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी नहाने के अंदर ना, सुन बस फटाफट मेकअप कर रही हूँ डन, और 5 मिनट मेकअप करके रेडी होते हैं। कहाँ बेटे, तो यहाँ पे मैं कंजक्स के लिए ना वो गिफ्ट ले रही हूँ, हाँ दिखाओ चीकू, नो मार खाएगा वहाँ, तंग मत कर बेटे, लक्ष्य जल्दी ले ले जो लेना, और जल्दी आ जाओ चीकू, कंजक बुलानी है बेटा। तो यहाँ पे ना आया ना, अभी बेड पे लेटा हुआ था अपने कोट में, क्योंकि ये जगह ये और तूबा जगी हुई है, जैद सो रहा है, तो ना जैसे मैंने इसको कोट में से निकाल के गोद में लिया ना, क्लैप करा ना, क्लैप करके दिखा दो आया, क्लैप करके दिखा दो, क्लैप आया, क्लैप क्लैप करके दिखा दो सबको, क्लैप कर दो ऐसे, क्लैप कर दो, अपने आप करता है जब इसका दिल करता है। गोलू को देख लो, एक घंटा हो गया मेकअप करते करते। नहीं यार मेरा ना आईलैश वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, पाल ने आईलैश एक्सटेंशन है, तो मेरा आईलैश एक्सटेंशन है, तो मैं इसलिए ना लाइनर लगा रही थी, इसलिए मेरी बराबरी करना चाहती है, इसलिए आंखों को सजा रही है, क्योंकि मेरी आंखें सुंदर लग रही है गाइस। तो गाइस गरम गरम पूड़ी बन गई, देखो हमारा लाडे सर पूड़ी मांग रहा है, नहीं बेटा पहले कंजक खाएंगी फिर लौकड़ा खाएगा, अभी खाना आपको पूरी खाना है, मम्मा आज पूरी खिलाएगी, हवा खिलाएगी, हलवा पूरी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे। ये क्या करते हो आप, ये ऐसे नहीं करना, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, कह रहा मेरे को लेके हांड, काम कर बाद में, एक काम करती हूँ सूरज भैया को दे देती हूँ इसे, सूरज भैया काम कर लूंगी, ठीक है ले लो भैया। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है गरम गरम पूड़ियाँ, और बस संजू की आने वाली है, सारा जो सेटअप है वो हो गया बाहर रेडी, पाल गई है बच्चों के लिए मैट लेने के लिए, तो बस पूड़ी सीख रही है। कितनी बार मम्मी कितनी रह गई, 4-5 रह गई होगी ना, हाँ यही आटा बस 4-5 रह गई है। रोली मोली और थाली, पैर धोने वाली थाली बना ले, ठीक है, और वहाँ पे कारपेट अच्छे से लगा दे, ठीक है, और वैष्णो देवी का जो सामान है सारा एक पतीले में डाल के सब कुछ मिक्स करके वो भी रख ले, कन्याओं को वो भी देना होता है ना मम्मा, ठीक है। तो गोलू को हम किचन में इसलिए नहीं बुला रहे, क्योंकि गोलू को बिल्कुल पूड़ी का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, कभी नहीं बनाई, वो पराठा बना सकती है, रोटी बना सकती है, पर पूड़ी नहीं बना सकती, तो इसलिए हमने सोचा मैं और मम्मी पूड़ी का काम कर लेते हैं, और फटाक से जो है कंजक का काम शुरू करते हैं। तो मेरी पूड़ी ना हर बारी फूलती है, ऐसा कभी नहीं होता कि मेरी पूड़ी फूले ना, देखो मम्मी एक साइड से बेलने से वो पूड़ी फूलती है ना, ये मैंने नहीं, बीच में से, अच्छा मैं एक साइड से बेलती हूँ ना, तो मेरी पूड़ी फूलती है। तो गाइस ये प्रसाद जो है वैष्णो देवी जी का हमें वहां से मिला है, तो यही प्रसाद जो है हम सारी कन्याओं को देंगे, और हमारी पूरी टीम को भी देंगे। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है कंजकों की, बाहर सारा प्रसाद पाल ने मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे मैंने रोली मोली दोनों निकाल ली है, तो यहाँ पे पूड़ियाँ हो गई है तैयार, सारा सामान रख रहे हैं हम, बाहर प्रसाद रख दिया पाल ने,
यहाँ पे हमारी जो कंजक देवी है हो गई है लेडी। मम्मा ने इसको पहना दिया बैंड। इसने पहनी है न्यू स्टॉकिंग। थोड़ी सी फ्रॉक बड़ी है, ये फ्रॉक ना अगले साल आनी थी, बट ये भी नई हम चाहते थे, नई हमने नया सूट पहना है, तो तुबू पहने नई फॉकू, तुबू पहने नई फॉकू। मम्मा बाबू लेडी हो गई है भाई। हमने इसके कपड़े वपड़े चेंज करके इसे हमने ज्योति कंजक बनाया है। अच्छा फोल्ड दे। अच्छा तो सबसे पहले माता रानी का भोग लगा देते, तब तक हमारी कंजक भी आ जाएंगी सारी। धागे सारे तोड़ के रख लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। अब लड़कियों को पता नहीं चल रहा मम्मी कोई चार, कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल गए हैं, आप ऐसे करो तीन कंजके हैं, देखो वो जो बेचारी बैठी है वो भी जा रही है, तो आप तीन बिठा दो, दो अलग कर दो। मैं काम करती हूँ, जितने मुझे बिठानी मैं सब लगा देती हूँ। आप पांच बिठाओगे ना तो तीन को दे दो के घर में जाके दे। ये हमारी कंजक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोते हुए बिठा देते, मम्मी के साथ बैठ जाएगी, मम्मी इसको ले लो। हम भी ऐसे करते थे जब नहीं कोई, तो यही होता है कि सारी बिठा देते हैं। कि बहन है ना युक्ता, तो युक्ता नूर में हम कंफ्यूज हो जाती है कि बड़ी बहन का नाम है युक्ता। हलवा खाना चम्मच हलवा पसंद है, चले नहीं। हाथ अंदर छुपा हुआ है बच्ची का, मम्मी ने निकाल रही, मम्मी की लाइक भी थोड़ी सी निकाल रही। आप भी बैठो, ये वैष्णो देवी का प्रसाद है, ये भी खाना, ये जरूर खाना, माँ का प्रसाद है। चीको बता रहा था मम्मा बेकरी का वो सीख रही है, कोर्स कर रही है। मैंने मम्मी का स्टेटस देखा था, उसपे मम्मा ने मफिन्स बनाए थे ना, हम जल्दी मंगवाएंगे ठीक है, मम्मा से क्रिसमस केक बनवाएंगे बच्चों के लिए ठीक है। तो भाई चीकू की जो फ्रेंड है ना नूर, उसकी मम्मा ने ना अभी केक बनाने का पूरा कोर्स कर रही है बेकरी का, तो अब आगे आगे ना हमें दिक्कत नहीं आएगी, जब भी हमें केक चाहिए होगा ना युक्ता की मम्मा को कॉल करेंगे, युक्ता की मम्मा को कॉल करेंगे, कहेंगे भाभी केक चाहिए, तो एक घंटे में केक तैयार। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, अभी सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, माने नहीं सुनिया, जय माता दी, ऊंची बोलो जय माता दी, चीकू बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो चीकू ना खुद स्पेशली लेके आया कंजक के लिए, देखो क्लिप्स कितनी सुंदर, ये लो बेटा, चीकू अपनी पसंद से लाया नूर के लिए। आप पिंक लोगे? अच्छा से कलर भी पसंद, पता है चीकू को कह रहे नूर को पिंक कलर पसंद है, इकट्ठे पढ़ते हैं ना स्कूल में, बच्चों को पता होता है, पता होता है। मेरे को दे दो, आपको भी दे रही हूँ, आपका क्या टॉय है चीकू? मेरा, मैं तो अपने लिए क्ले लेके आया हूँ, तुबा के लिए, तुबा के लिए हेयरबैंड है वो वाला ही। अच्छा ये लो चम्मच, चम्मच लो, इसको मोली बांध दी, ये लो ना, मैं इसको हलवा खिला दो, थोड़ा सा सोई सोई खिला दो, सोई सोई खा रही है तुबू, सोई सोई खा रही है तुबा, ओए तुबा, मैं सबके लिए पैकेट बना देती तुबी, खा रही है, और खिला दो, नींद में ऐसे करिए, सोच रही सपने में हलवा कहाँ से आ रहा है मुझे, मजा आ रहा है, मम्मी कह रही उठना जाए, ये बना दे प्लेट, बना दे दो और इन्हीं के साथ रख दे दो प्लेट, फिर पूछ के मैं नीचे दे आऊंगी। नूर आज स्कूल में क्या पढ़ाया बेटा? तो आशीर्वाद ले लो भाई, आशीर्वाद दो, जोर से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। इतना मुझके मारता है, बेटा जाओ अपने घर, जाओ आपकी मम्मी वेट कर रही है, मेरा घर है, जाओ आप अपने घर, मेरा घर है, सारी फ्रूटी भी मेरी है, ये बोलो ना मम्मी भी मेरी है, चलो खाना।